बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ऑटोमेटिकली डेट जो नियरेस्ट होंगी वो लिस्ट के टॉप में किस तरह से आएंगी डेटा एंट्री के बाद? जैसे हमें करीब के ऑर्डर को पहले डील करना है और फिर डिलीवर करना है, या फिर डेटे इवेंट्स वगैरह हैं, हम अपना डेटा रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं एक्सेल में, तो ऑटोमेटिकली जिनकी करीब की डेट है वो लिस्ट के टॉप के अंदर शिफ्ट होती रहे डेटा एंट्री के बाद, तो ये किस तरह से होगा ये आज की इस वीडियो के अंदर देखेंगे। और अल्फाबेटिकली सॉर्ट डेटा किस तरह से होगा ऑप्शन के बगैर फॉर्मूलों की मदद से सारा काम करेंगे, तो लेवल एडवांस है, इसमें भी जबरदस्त सीखने को मिलने वाला है। फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो के एडवांस में लाइक भी कर दें, पहले देख लें है क्या और फिर इसको किस तरह से हम मजीद कॉलम के साथ यूज कर सकते हैं वो भी आप इसके अंदर काम कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। अब यहाँ पर मेरे पास डेट एंट्री लिखी हुई है और डेट एंट्री के बाद मुझे यहाँ पर सॉर्ट ऑटोमेटिकली चाहिए, यानी जो करीब की डेट होंगी यार वो सबसे ऊपर आती रहे और ओल्ड डेट नीचे शिफ्ट होती रहे, ठीक है जी? तो इस तरह से, या फिर ओल्ड डेट ऊपर आती रहे और जो न्यू डेट है वो डाउन साइड पे शिफ्ट होती रहे, दोनों काम इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डेटा एंट्री कर रहे हैं, अगर कोई टैक्स के हिसाब से हम चाह रहे हैं ऑटोमेटिक डेटा सॉर्ट होकर नेक्स्ट कॉलम में उसके ए वाली बी वाली सी वाली कैटेगरी के हिसाब से हमारे पास सॉर्ट आउट होता रहे, तो बार बार हमें ना करना पड़े, ये ऑप्शन आपके जहन में आ रहा होगा कि हम इसको असेंडिंग डिसेंडिंग से भी कर सकते हैं सॉर्ट टू ए टू जेड, और लेकिन ऑप्शन आपको बार बार अप्लाई करना पड़ता है और फॉर्मूला ऑटोमेटिकली अपडेट होता है, तो ये दोनों में फर्क है, ठीक है जी? जब भी काम करते हैं तो हम आसानी के लिए करते हैं कि इजी तरीके से जो होगा वो, तो हमें बार बार इसमें क्लिक ना करना पड़े, तो ये फॉर्मूला एक दफा लगा के हम इंटर करेंगे, उसके बाद जो लिस्ट जहां तक हमने ड्रैग करी होगी उसका खुद ब खुद रिकॉर्ड अपडेट होता रहेगा और डेट टॉप पे शिफ्ट होती रहेंगी। तो ये सब किस तरह से होगा ये अब सीखने को मिलेगा, तो अभी तक अगर लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक करें और चलिए शुरू करते हैं अब आज के इस टॉपिक को। तो फॉर्मूले जो थे वो मैंने रिमूव कर दिए हैं और इसको आप मजीद कॉलम के साथ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है जी? तो अब फॉर्मूला जो हम लगाएंगे इस डेट में, हम डेट कॉलम मेन हमारा ये है और इधर हमारा रिजल्ट जो होगा वो ऑटोमेटिक सॉर्ट होता है न्यू या ओल्ड या ओल्ड या न्यू डेट के हिसाब से। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे, जो इसमें फॉर्मूले आएंगे वो हमारा इंडेक्स मैच रॉस काउंटिफ फंक्शन को यूज करेंगे और कुछ टेक्निक्स कैसे यूज होगा ये देखने को मिलेगा सीखने को आप, और लेवल एडवांस मैंने स्टार्ट में बता दिया। तो इंडेक्स लगाएंगे सबसे पहले एरे, एरे ये हमारा ये सेल होगा और अभी तक जहां तक एंट्रीज है हमारी, मैं कंट्रोल शिफ्ट डाउन करूंगा तो हमारी 10 तक है। आप एक्स्ट्रा भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि अगर इसके बाद भी एंट्री होंगी तो वहां तक वो हमारे पास लिस्ट में ऐड होते रहे, सॉर्टिंग होती रहे। तो यहाँ पर हम 8-10 तक फिलहाल अभी रेंज है, हम इसको कर लेते हैं 100 तक, ठीक है जी? 100 तक मैंने अब इसकी रेंज दे दी और यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ एब्सोल्यूट F4, ठीक है जी? F4 के बाद यहाँ पर हम कॉमा लगाएंगे, मैच मैच होता है लुकअप वैल्यू के लिए, तो लुकअप वैल्यू हम रॉस फंक्शन में देंगे इसको, और रॉस फंक्शन ब्रैकेट ओपन के बाद क्या लुकअप है, इस सेल को सिलेक्ट करा फर्स्ट जहाँ से स्टार्ट हो रहा है रिकॉर्ड, और फिर फर्स्ट वाला A2 जो है इसको F4 करेंगे, ठीक है जी? रॉस सेल से सेल एड्रेस रेंज, ठीक है जी? कॉलन का मतलब इस सेल से इसी सेल की सेल एड्रेस रेंज में चेक करें, और जब ड्रैग होगा तो ये सेल एब्सोल्यूट करेंगे। तो रॉस फंक्शन हमने दे दिया लुकअप वैल्यू की जगह पे मैच फॉर्मूले के अंदर, और अब हम यहाँ पर कॉमा लगाएंगे, लुकअप एरे में देंगे काउंट इफ, ठीक है जी? अब काउंट इफ ब्रैकेट ओपन के बाद यहाँ पर रेंज जो होगी ऑल, जहां तक इस रेंज को हमने सिलेक्ट करा है वही हम यहाँ तक इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं और इसकी रेंज में 0 ऐड कर देता हूँ ताकि 100 तक चली जाए सिलेक्शन, और F4, ठीक है जी? इसको पूरा सिलेक्ट करेंगे A2 से A100 और F4 हो जाएगा। ये हम यूज कर रहे हैं लुकअप एरे की जगह काउंट इफ फंक्शन, और यहाँ काउंट इफ में आप क्राइटेरिया रेंज के लिए हम क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा ग्रेटर इक्वल फिर इन्वर्टेड कॉमा, और इसके बाद कॉनकेटिनेट फंक्शन लगाएंगे एंड फंकशन का साइन, ठीक है, कॉनकेटिनेशन के लिए, और उसके बाद अगेन यही सेल एड्रेस रेंज को कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल सी, और फिर जहाँ एंड फंक्शन आ रहा है इसको पेस्ट करेंगे कंट्रोल वी, ठीक है जी? यहाँ तक काउंट इफ का काम हो गया हमारा कंप्लीट। तो काउंट इफ का ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ये हमने यूज किया लुकअप एरे की जगह, और इसके बाद जैसे ही कॉमा लगाएंगे तो मैच टाइप ऑप्शन आएगा, कॉमा के बाद 1 लेस देन या 0 एग्जिट मैच या -1 ग्रेटर, तो यहाँ कंडीशन हम सिलेक्ट करेंगे 0 एग्जिट मैच, और यहाँ पर टैप दबा देंगे 0 पे आके तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, उसके बाद मैच का ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, और ये रॉ नंबर की जगह हमने मैच रॉ और काउंट इफ यूज कर लिया इसमें, और इसके कॉलम नंबर की जरूरत नहीं है क्योंकि कॉलम सिंगल ही कॉलम है हमारे पास, और यहाँ पर हम कर देंगे इसका ब्रैकेट क्लोज।
ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा। अगर फॉर्मूला सही है और कोई मिस्टेक हमारी नहीं हुई है तो कंट्रोल शिफ्ट एंटर से हमारे पास आंसर शो होना चाहिए, और अगर कोई गलती होगी तो एरर आएगा। कंट्रोल शिफ्ट एंटर एरे के लिए यूज होता है, ठीक है जी। एरे अप्लाई होगा इस पर और एंटर कर दिया, ठीक है जी। अब देखें अभी तक जो लिस्ट में सबसे करीब की डेट है 2022 28 दिसंबर है, ठीक है जी। अब मैं अगर इसको चेंज कर देता हूँ यहाँ से, अगर मैं इसको यहाँ से मिसाल के तौर पर हटा देता हूँ, तो उसके बाद की जो नियरेस्ट डेट होगी वो 13 जून है, ऑटोमेटिक आ गई। और इसी तरह अगर मैं अभी कोई अपकमिंग मंथ या कोई डेट इस तरह की एंटर करता हूँ नियरेस्ट, तो वो ऊपर आएगी हमारे पास, आ गई। अगर हमने एब्सोल्यूट्स वगैरह सही करें, इसी तरह इस फॉर्मूले को ड्रैग करेंगे, तो ऑटोमेटिकली इस रेंज के अंदर जो डेट है वो सॉर्टिंग हो जाएगी हमारे पास, ठीक है जी। जो नियरेस्ट होंगी वो अब 2022, फिर 17, फिर 16, 15, 13 और सबके जो करीब के मंथ होंगे वो इस तरह से सॉर्ट में आती रहेंगी। एक्स्ट्रा ड्रैग करने पे जो एरर आ रहा है ये ना आए, तो इसके लिए इफ एरर कर लें, ठीक है जी। इफ एरर भी कर सकते हैं, या डाटा एरर शो ना हो इसकी लिस्ट को आप 100 तक, मैंने रेंज बताई है, ठीक है जी। तो यहाँ 100 तक इसको सिलेक्ट करें। एरर हाइट के लिए हम इफ एरर भी यूज कर सकते हैं, या फिर ठीक है जी एरर वाली रेंज सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ देखिएगा टॉप में ही आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा इग्नोर एरर, इग्नोर एरर कर दिएगा। और एरर इस तरह से एक्स्ट्रा ड्रैग में जो शो हो रहा है ये ना हो, तो इसको लिस्ट को सिलेक्ट कर लें। लिस्ट को सिलेक्ट करने के बाद हाईलाइट में मोर रूल में जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास सेल वैल्यू में दिया हुआ है एरर, और एरर को किस तरह से प्रेजेंट करना है। फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ पर ब्लैंक दिखाना है तो वाइट कलर है, फॉन्ट में जाके हम उसका कलर वाइट कर लेते हैं, ओके कर लेते हैं, ओके कर लेते हैं। तो जो एक्स्ट्रा होंगे एरर होंगे लेकिन वाइट कलर की वजह से शो नहीं होंगे, तो ये टेक्निक है। अब इसके बाद आप जो भी न्यू डेट इंटर करेंगे, फर्स्ट नवंबर है, उसके बाद 5 नवंबर का रिकॉर्ड इंटर करा, तो अपकमिंग जो भी डेट होंगी इस तरह की जिसमें हमें इवेंट्स के अंदर अपना या कोई शेड्यूल है या कोई मीटिंग है, कोई अपॉइंटमेंट है, या फिर कोई और प्रोग्राम है हमारा इस तरह का, ऑर्डर रिसीविंग का या फिर डिलीवरी का, डेट खुद ब खुद ऊपर आती रहे हमारे पास इस तरह से सॉर्ट आउट होकर, ये आप फॉर्मूला इस तरह से यूज कर सकते हैं इस काम के लिए, ठीक है जी। और सेम यही फॉर्मूला इस काम के लिए भी यूज होगा अल्फाबेटिकल, अगर सॉर्ट करना है तो डेट की बात हो गई, तो हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, डबल क्लिक करेंगे कंट्रोल सी, डबल क्लिक करके पूरा सिलेक्ट होगा फॉर्मूला, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल शिफ्ट एंटर मार के बाहर आएंगे यहाँ से। और जो अल्फाबेटिकल के लिए हमें इस फॉर्मूले को यूज करना है, इसमें थोड़ी सी चेंजेस करेंगे, पहले कंट्रोल वी कर लेते हैं पेस्ट, और चेंजेस के बाद अब यहाँ पर जो कॉपी पेस्ट किया हमने रेंज हमारी एक डेट कॉलम के लिए यूज किया था, तो वही आ रही है यहाँ पेस्ट करने के बाद। और जो टेक्स्ट हमें अल्फाबेटिकली ऑर्डर करना है वो सॉर्ट ई कॉलम है, तो यहाँ पर हम फार्मूला बार में क्लिक करेंगे और ए की जगह ई कर देंगे। रेंज हम एक्स्ट्रा ही रख रहे हैं यहाँ पे ताकि बाद में भी डेटा एंट्री, तो ऑटोमेटिकली टेक्स्ट जो है वो यहाँ पर सॉर्ट होता रहे अल्फाबेटिकली, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम इस तरह से बस जहाँ ए आ रहा है इसमें ई लगा देंगे, बाकी सारी चीजें इसी तरह रहेंगी। और कंट्रोल शिफ्ट, अच्छा यहाँ पे साइन आपका आ जाएगा लेस देन इक्वल, ठीक है जी, लेस देन इक्वल, कंट्रोल शिफ्ट एंटर आ गया। अब जहां पे भी आपकी ए वाली कैटेगरी की एंट्री होगी ऑटोमेटिकली, अगर आप बाद में भी डेटा एंट्री कर रहे हैं और अगर अल्फाबेटिकल ए होगा तो खुद ब खुद इस कॉलम में लिस्ट के टॉप में आ जाएगा वो रिकॉर्ड आपका। अब मैंने इस शीट से इसी शीट पे इसको समझा दिया, अगर आप चाह रहे हैं डेटा एंट्री से अलग शीट पे ये काम हो तो आप इस फॉर्मूले को एक मेन डेटा एंट्री के अंदर ये चीज रख ले अपनी डेटा एंट्री का जो काम होगा, और उसका रिजल्ट ये जो फॉर्मूला है सेकंड शीट पर रखें, ताकि जब आपको रिजल्ट चाहिए हो, आपको अपना रिव्यू करना हो रिजल्ट किस तरह से जो नियरेस्ट डेट है वो करीब में हमें मिल जाए, तो नेक्स्ट शीट पे जाके ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। तो आपका ओरिजिनल डेटा इसी तरह रहेगा, जिस टाइम पे जो एंट्री हुई है वो उसी तरह से आ रही होगी, और आपको जो उसको सेटिंग करनी है सॉर्ट आउट करना है वो आपको सेकंड शीट पे मिलता रहेगा फॉर्मूले के साथ, ठीक है जी। तो इससे आपका मेन शीट का डेटा डिस्टर्ब नहीं होगा, तो ये काम आप मैंने इसी शीट पे बताया, तो अलग शीट पे भी लगा सकते हैं, और इसी को ड्रैग कर लेंगे। ड्रैग के अंदर इस तरह से देखें सारे अल्फाबेटिकल वाइज हमारी ए वाली सी वाली सारी एंट्रीज आ जाएंगी, ठीक है जी। देखें हम यहाँ पे इस तरह से तो हो गया, ये ही फॉर्मूला इजी करके मैंने दोनों के ऊपर अप्लाई कर दिया, यहाँ पे डेट के लिए भी और अल्फाबेट के लिए भी। लेकिन शायद अभी तक जो नहीं हुआ वो आपने लाइक नहीं किया, तो क्यों नहीं किया, जल्दी से फटाफट इसको लाइक करें जो फर्स्ट देख रहे हैं,
चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के इंफॉर्मेटिव एडवांस लेवल के एक्सेल फॉर्मूले सीखने को देखने को मिलते रहे, हेल्पफुल आपकी जिनकी समझते हैं आप उनके साथ भी इसको शेयर करें ताकि वो भी सीख सके। तो शाह इस्लाम को इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई सजेशन क्यूरी है इसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लाजमी कमेंट किया करें। अल्लाह हाफिज़।